Hi students, you are most welcome to our channel English Urdu Tutorial. So students, हम लोग पिछले videos में latest workout 2 के जो है 1 से लेकर 21 का भी number तक solve कर चुके थे. तो इस video में हम लोग 21 का भी number solve करेंगे जो true false है. Let us write whether the following statement are true or false. तो ये statement जो है नीचे जो दिया गया है कौन true है कौन false है लिखना है. तो एक number, A man takes a loan is called a debtor. तो जो man loan लेता है उसको क्या बोला जाता है? Debtor. Debtor. तो ये true है ना? False है. तो ये true है. जो आदमी loan लेता है उसको बोला जाता है debtor. ठीक है? तो ये क्या है? True है. तो पहला वाला क्या होगा? True. ठीक है? उसके बाद दो नंबर. If the principal and the rate of simple interest in person per annum be constant, अगर principal और rate of simple interest यानी कि rate of interest अगर constant हो, मुयन हो, then the total interest and the time are in inverse relation. तो तब time और total interest जो है inverse relation होगा, होता है? नहीं. जब principal और simple interest यानी कि rate of interest constant होता है तो टाइम और टोटल इंटरेस्ट जो है इनवर्स रिलेशन नहीं होता है. अगर टाइम बढ़ेगा तो इंटरेस्ट भी बढ़ेगा, अगर इंटरेस्ट बढ़ता है तो टाइम ही बढ़ता है. अगर इनवर्स होता तो टाइम बढ़ता तो इंटरेस्ट घटता, इंटरेस्ट बढ़ता तो टाइम बढ़ता. ठीक है? तो ये इनवर्स नहीं है, इसलिए क्योंकि अगर टाइम बढ़ेगा तो इंटरेस्ट भी बढ़ेगा, अगर इंटरेस्ट बढ़ता है तो टाइम भी बढ़ेगा. तो जिसमें दोनों ही बढ़ेगा तो वो डायरेक्ट रिलेशन हुआ, इनवर्स नहीं हुआ. ठीक है? तो ये जो है फॉल्स है. ठीक है? ये क्या है? फॉल्स. तो पहला नंबर ट्रू और दूसरा नंबर फॉल्स. तो ये हो गया ट्रू. ट्रू और दूसरा हो गया फॉल्स. अब सी नंबर देखिए, 21 का सी नंबर. लेट अस फिल इन द ब्लैंक्स. ब्लैंक्स को खाली जगह को भरना है. अ मैन हु गिव्स अ लोन इज कॉल्ड. तो जो आदमी लोन लेता है उसको डेब्टर बोला जाता है, लेकिन जो लोन देता है उसको क्या बोला जाता है? उसको बोला जाता है मनी लेंडर. मनी, MONEY, मनी, LENDER, मनी लेंडर. ठीक है? जो लोन देता है उसको मनी लेंडर और जो लेता है वो डेब्टर. ठीक है? उसके बाद दो नंबर, द अमाउंट ऑफ रुपीज 2p इन टी ईयर्स एट द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट ऑफ r/2% पर अनम इज रुपीज. द अमाउंट ऑफ रुपीज 2p मतलब प्रिंसिपल क्या है? 2p है. टाइम क्या है? t ईयर्स है. और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना? r/2 है. तो अमाउंट कितना होगा देखते हैं, यहाँ पर सॉल्व करते हैं. कितना नंबर है सी का? दो नंबर. पहला वाला का तो मनी लेंडर हो जाएगा. और दूसरा का जो है यहाँ पर सॉल्व करते हैं, प्रिंसिपल कितना है? 2p. टाइम कितना है? टी ईयर्स. रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? r/2%. देयरफॉर इंटरेस्ट p × t × r/100p हो गया 2p. p × t कितना है? टी ही है. आर रेट ऑफ इंटरेस्ट r/2, नीचे 100, टू टू कैंसिल, तो क्या बचा? pt r by 100. क्या हुआ? इंटरेस्ट हुआ. देयरफॉर अमाउंट क्या होगा? प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट. प्रिंसिपल कितना है? 2p प्लस PTR by 100
आर एस, तो अमाउंट कितना हो गया, टू पी प्लस पी टी आर बाई 100, पी टी आर बाई 100। तो यहाँ पर टू पी तो दिया हुआ ऑलरेडी, तो क्या लिखना होगा, क्या लिखना होगा, पी टी आर या पी आर टी, एक ही बात है, पी आर टी बाई 100, ठीक है, पी आर टी बाई 100, या लिख सकते हैं पी टी आर बाई 100। तो दो नंबर का आंसर क्या हो गया, रुपीज टू पी प्लस पी आर टी या पी टी आर बाई 100, ये हो गया आंसर। अब आइए सी नंबर का तीन नंबर को सॉल्व करते हैं। द रेशियो ऑफ द प्रिंसिपल एंड अमाउंट प्रिंसिपल अलोंग विद इंटरेस्ट इन वन ईयर इज 8:9। द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट पर एनम इज, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना होगा। यहाँ पर रेशियो दिया है प्रिंसिपल और अमाउंट का, अमाउंट का मतलब प्रिंसिपल अलोंग विद इंटरेस्ट पी प्लस आई, ठीक है। तो प्रिंसिपल और इंटरेस्ट का रेशियो दिया 8:9, तो और टाइम दिया कितना, वन ईयर, इन वन ईयर में, एक साल में प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो जो है 8:9 है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हुआ। तो चलिए 21 का सी नंबर को यहाँ सॉल्व, सी नंबर का तीन को यहाँ सॉल्व करते हैं। लेट लेट द प्रिंसिपल बी रुपीज 8x एंड द अमाउंट बी रुपीज 9x। मान लीजिए कि प्रिंसिपल 8x है और अमाउंट कितना है, 9x है। अगर आप लोगों का आ जाए, यहाँ पर तो 8:9 रेशियो है, अगर आ जाए 4:5 प्रिंसिपल 4 और अमाउंट 5 आ जाए, 4:5 प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो, तो प्रिंसिपल मान लेना है 4x और अमाउंट मान लेना है 5x। अगर 9:10 आए प्रिंसिपल एंड अमाउंट का रेशियो, तो प्रिंसिपल मान लेना है 9x और अमाउंट मान लेना है 10x, ठीक है। तो इस तरह से आप जो है किसी भी मैथ को सॉल्व कर सकते हैं इस तरह का, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट मैथ है, इसलिए मैं इस मैथ को और भी थोड़ा डिटेल से बताता हूँ आप लोगों। तो प्रिंसिपल कितना मान लिए 8x और अमाउंट कितना मान लिए 9x, तो देयरफॉर यहाँ से हम लोग इंटरेस्ट निकाल सकते हैं। इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, तो अमाउंट कितना है 9x माइनस प्रिंसिपल कितना है 8x। अमाउंट में से प्रिंसिपल अगर निकल जाएगा तो हमको क्या मिलेगा, प्रिंसिपल मिलेगा, सॉरी इंटरेस्ट मिलेगा, क्या मिलेगा, इंटरेस्ट। अमाउंट से अगर प्रिंसिपल को माइनस कर देंगे तो हमको क्या मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा। इंटरेस्ट का तो और भी एक फॉर्मूला है, पी इंटू टी इंटू आर बाई 100, इस तरह से इंटरेस्ट निकलेगा, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो 9x में 8x जाने से कितना बचेगा, x बचेगा, तो रुपीज x, 9x में 8x चलेगा तो कितना बचेगा, x। तो इंटरेस्ट कितना हो गया, x, टाइम दे दिया है वन ईयर, r निकालना है, r व्हाट, चूँकि i का फॉर्मूला है इंटरेस्ट का, p इंटू टी इंटू आर बाई 100, और i कितना है x, p कितना है 8x, टाइम कितना है वन ईयर, r के तो r तो निकालना है, फाइंड आउट करना है, तो x x कैंसिल हो जाएगा, टू फोर जा 8, टू फाइव जा 10, जीरो का 0, टू टू जा 4, टू टू जा 4 बचा 1, टू फाइव जा 10, तो r क्या हो गया 2r, और 2r इक्वल टू 25, और r को यहाँ रख लेंगे तो 25 बाई 2, नियर 4 r इक्वल टू कितना हुआ, होल 12, 1 बाई 2, कैसे आया देख लीजिए, यहाँ पर 2 से अगर 25 को डिवाइड करेंगे तो 2 1 जा 2, 0, 5 को डालेंगे, 2 2 जा 4, बचा कितना 1, जो रिमाइंडर बचेगा वो उसको ऊपर लिखना है, और जो डिवाइजर जिससे डिवाइड लगाते हैं उसको क्या करना है, नीचे लिखना है। तो होल 12 1 बाई 2, यहाँ पर देख लीजिए होल 12 1 बाई 2, तो देयरफॉर रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो गया, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना, होल 12 1 बाई 2 परसेंट, यहाँ पर भरने के लिए दिया है, कितना हुआ होल 12, होल 12 1 बाई 2 परसेंट, होल 12 1 बाई 2 परसेंट। सो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है,
ये लाइक जरूर कर दे। आई रिपीट अगेन, प्लीज लाइक माई वीडियोज। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर लिसनिंग। हैव ए ब्यूटिफुल डे। टाटा।